नमस्कार दोस्तों, आज मैंने बनाया ऐसा नाश्ता, या आप टिफिन बॉक्स भी रेसिपी कह सकते हैं इसे, या ब्रेकफास्ट रेसिपी, या टी स्नैक्स भी कह सकते हैं। तो ये आज मैंने बनाया गेहूं से, और यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, और इसमें हमने डाला है 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब हमने इसमें चीनी डाली है, और थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। देखिए, आप इसमें चीनी पिसी हुई भी डाल सकते हैं, और बेकिंग पाउडर है इसमें हमने 1/4 चम्मच यूज़ किया है। इसकी जगह पर आप मीठा सोडा भी यूज़ कर सकते हैं 2 पिंच। तो देखिए, यहाँ पर अब हम ले रहे हैं 1 कप के करीब छाछ, या तो आप दही ले सकते हैं, या आप छाछ भी ले सकते हैं, बस वो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब इसे हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने डो तैयार कर लिया है। इससे हमें सॉफ्ट सा डो तैयार करना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं, जैसे नॉर्मल हम रोटी का आटा बनाते हैं वैसे ही। अब इसे ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। तो देखिए, तब तक हम क्या करते हैं, हमारी वेजेस जो हमने पहले ही कट कर ली थी, इसमें मैं शिमला मिर्च, प्याज, और जो है मैंने पत्ता गोभी ली है। आप चाहे तो और भी वेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर पनीर को क्रश कर लिया था, और ये मैं इसमें पनीर भी डाल रही हूँ। देखिए, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो वेजीज आप जितना खाना पसंद करें उसकी मात्रा उतनी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 चम्मच जो है सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, क्योंकि इसे बच्चे खाने वाले हैं, तो हम थोड़ी सी जो चिली है वो कम डालेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ लहसुन की चटनी, जो कि घर पर बनी हुई थी। आप चाहे तो यहाँ पर रेड चिली पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसमें ऑर्गेनो मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी जो है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल रही हूँ, 1 चम्मच के करीब। आप चाहे तो यहाँ पर घर की बनी हुई कोई भी सॉसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हमने ये सब डाल लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सारे मसाले को मिला लेते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं जो घर में अक्सर पाई जाती हैं, तो आपका जो ये ब्रेकफास्ट है या टिफ़िन बॉक्स रेसिपी है, बहुत अच्छी बनने वाली है। तो अब देखिए, ये 10 मिनट हो चुके हैं, और हमने जो ये आटा लिया था, इसको हम फिर से एक बार अच्छे से लोच लगा लेंगे। और आपने देखा ही होगा कि आटा अच्छे से फूल चुका है। तो देखिए, ये सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है बिल्कुल अच्छे से, और ये जो हमने बेकिंग पाउडर डाला था इसमें, उससे जो है इसमें अच्छी फ्लावट भी आ गई है। तो देखिए, अब हम खाने वाला सोडा यूज़ करेंगे तो सिर्फ 2 पिंच करेंगे, और बेकिंग पाउडर करेंगे तो हम 1/4 चम्मच यूज़ करेंगे। अब इसकी जो है हमें पेड़े बना लेने हैं, इस तरह से राउंड राउंड पेड़े बना लेंगे हम। और अब हम क्या करेंगे, इसे या तो हाथ से ही कटोरी शेप देंगे, या फिर हम चकला बेलन यूज़ करेंगे। उसमें हम एक पतली सी रोटी बेल लेंगे, इससे हमें पतली सी रोटी बेलनी है, ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनानी है। अगर हम ज़्यादा मोटी रोटी बनाएंगे तो जब हम इसे सेकेंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जो लोई हम ले रहे हैं वो थोड़ी छोटी ले, और जो इसकी रोटी सी बेलेंगे हम वो पतली होनी चाहिए, ताकि जो हमारी है अच्छे से दोनों ऊपर तरफ से सिक जाए, और अच्छे से फूल कर गुब्बारे की तरह फूल जाए। तो इसमें आप थोड़ा सा जो है आटा भी ले सकते हैं अगर ये चिपके तो, या फिर आप थोड़ा सा जैसे पूरी बेलते हैं ना, उस तरह से बेल सकते हैं, थोड़ा सा घी लगाकर भी। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से हाथ पर रख लेंगे, या तो आप सारी पूरियाँ एक साथ बनाकर रख ले, या आप एक एक करके बना के स्टफिंग बनाकर इसे भरकर रख ले। तो देखिए, मैंने ये इसे अच्छे से बेल लिया है, और अब हम इसमें क्या करेंगे, स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग आप अपने अंदाजे से डालें, ज़्यादा भी भरकर ना डालें, वरना ये फट जाएंगी, क्योंकि जब ये फूलेंगी तो बाहर आ जाएंगी। अब ये मसाला डालने के बाद मैं यहाँ पर जो है चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ को मैंने पहले ही क्रश करके रखा था, तो बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो ये बच्चों का फेवरेट नाश्ता बन जाए, इसलिए मैंने इसमें चीज़ भी ऐड किया है। अब देखिए, हम इसे रोल कर लेंगे, और ये अच्छे से बन चुका है। इस तरह से पोटली सी हमें ये बना लेनी है। तो देखिए, मैंने ये सारी जो पोटली है तैयार कर ली है। अब हमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, तवे को हमें गर्म कर लेना है फुल। या तो आप लोहे का तवा लीजिए, या जो भी नॉनस्टिक जो भी आपके पास तवा है, आप उसको फुल फ्लेम पर गर्म करके आपको क्या करना है, इस पर थोड़ा सा ऊपर जो है पानी लगा देना है। जो पानी जहाँ पर आप लगाएंगे उसे आप नीचे की तरफ रख कर इसे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह से आप सारी लोइयाँ लगा लेंगे, और इन्हें लगाने के बाद आपको क्या करना है, तवे को उल्टा कर कर जैसे आप तंदूरी चीज़ बॉम्ब्स बनाते हैं,
उस तरह से हम इसे बना लेंगे। तो ये देखिए कितने गुब्बारे के जैसे फूल गए हैं और ये मेरे रेडी हो चुके हैं। आप इसे चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप इसे घी में डिप कीजिए या बटर में, ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो देखिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और कम घी तेल में बनती है, तो सबके लिए हेल्दी भी है। तो मैं इसे टेस्ट करने जा रही हूँ, आप भी टेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।